नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ काफ़ी अच्छी हुई। दोस्तों, हाईकोर्ट एलडीसी भर्ती को लेकर लगातार आप सभी को पता है कि चर्चा का विषय बना हुआ है कि पेपर के अंदर धांधली हुई है। इसको लेकर हमने ट्वीट कैंपेन भी चलाए, वीडियोज़ भी डाले हैं, है ना, ये सभी को पता है। दूसरी बात, ये भी सभी को पता है कि इस भर्ती को लेकर कोई भी आवाज़ बाहर लेकर नहीं आ रहा है, चाहे वो अपना टीचर्स हैं, चाहे वो कोचिंग संस्थान वाले हैं, चाहे बेरोजगारों के जो युवा साथी जो मसीहा बने होते हैं, उन्होंने कोई आवाज़ दोस्तों इसको लेकर नहीं उठाई अभी तक। एक दो जने हैं, जैसे मैं हो गया, कोई एक हो गए और बाकी आप हो गए जो कमेंट करते हैं। आवाज़ लगातार हम कर रहे हैं कि भाई इस भर्ती के अंदर धांधली हुई, इसकी जाँच हो और पारदर्शिता। दूसरा, यहाँ पर हमारे पास बीच में एक बात आई कि भाई SOG के पास जाँच भी चली गई है ना, इस भर्ती को लेकर SOG भी जांच दोस्तों करेगी। 3-4 दिन से कोई वीडियो नहीं डाला। एक तो तक रेगुलर वीडियो डालने से कोई फायदा नहीं, जब तक कोई पुख्ते बात सामने नहीं आती तब तक वीडियो डालने से कोई फायदा नहीं है। दूसरा, इंतजार नहीं करते आप, धैर्य बनाकर नहीं रखते इस परीक्षा को लेकर, है लगातार दिन भर कॉमेंट, सारे दिन मैं देखता हूँ, यानी नेगेटिव कॉमेंट, कुछ नहीं होगा, फलाना नहीं होगा, ढिमका, आप ऐसे कर रहे हो, वो कर रहे हो। भाई चलो, हम ऐसे ही कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप हमारे वीडियोस मत देखें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना करें, आप किसी और चैनल पे जा सकते हैं। पहली बात तो ये, 3-4 दिन से कोई वीडियो मैंने नहीं डाला था, इस मेरी तबीयत काफ़ी ज़्यादा ख़राब थी, इस वजह से मैं नहीं डाल पा रहा था, ये रीज़न रहा था। और बात करते हैं LDC भर्ती को लेकर, क्या कुछ मामला है। देखिए दोस्तों, ये बात तो तय कि जाँच है वो SOG के पास चली गई है, SOG इसकी जाँच करेगी, लेकिन उसमें समय लगेगा, ऐसे नहीं कि हैंड टू हैंड रिजल्ट आ जाएगा। आपने देखा रीट के अंदर भी SOG की जब जांच सौंपी गई तो समय लगा था, एक दिन में तो कुछ होने वाला है नहीं। जांच करेंगे, जांच के अंदर इसमें खामियां पाई जाती हैं, SOG क्या डिसीजन लेती है वो बाद की बात है, वो हमारे हाथ में नहीं है, आप सभी को पता है। ये अच्छी बात आपके लिए, मैं ये अच्छी बात मानता हूँ कि आपकी भर्ती की जाँच है वो SOG के पास सौंपी गई है, पुलिस मुख्यालय ने माना है कि भर्ती में गड़बड़ी हुई है, SOG इसकी जाँच करेगी। रीट को तो बहुत लेट बाद SOG ने जांच सौंपी गई थी, रीट को लेकर रहो तो यहाँ पर क्या कि थोड़ा समय लगेगा, SOG इसकी जांच करेगी। कोई काम होता है वो पर्टिकुलर तरीके से होता है, आनन फानन में काम नहीं दोस्तों किया जाता है। दूसरा, यहाँ पर लगातार आपकी मांग आ रही है कि भर्ती को रद्द करना चाहिए। देखो, हमारी मांग बिल्कुल जायज़ है कि भाई पेपर लीक हुआ है तो भर्ती को रद्द होना चाहिए, लेकिन इस भर्ती की जाँच तो सामने तो आए कि क्या हुआ एक्चुअली इसके अंदर, तो वो काम किसका, SOG का है, वो जाँच जा चुके दोस्तों, उसकी रिपोर्ट आने में टाइम लगेगा, वो जाँच करेगी इसको लेकर। दूसरा है, यहाँ पर कोई भी दूसरे जो चैनल वाले हैं या अपने कम्युनिटी के जो आदमी हैं, कोई भी साथ देने को तैयार नहीं है, चाहे ट्विटर कैंपेन के माध्यम से, चाहे वीडियो, किसी भी तरीके से अपना साथ वो नहीं दे रहे हैं, अपना अलग से ही राग अलाप रहे हैं। दूसरी बात ये है कि वो साथ तो आपका दे ही नहीं रहे हैं, लेकिन ऊपर से वीडियोज़ बना के ये भी बोल रहे हैं कि आपकी भर्ती रद्द नहीं होगी, फलाना नहीं होगा, ढिमका नहीं होगा, ये ऐसे दूसरे जो चैनल वाले हैं वीडियो बना के आपको गुमराह कर रहे हैं। भाई हम वीडियो बना के आपको गुमराह कर रहे हैं, उनका ये कहना है। हमने एक ही बात बोली कि भर्ती के अंदर गड़बड़ी हुई है, ये साफ तौर पर सबको पता है, तो इंतज़ार करो। मैं सभी स्टूडेंट्स से कहना चाहता हूँ कि भाई आप इंतज़ार करो, और लगातार ये कमेंट कि सर हम इसकी तैयारी करें या ना करें, भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी। देखो, भर्ती रद्द होगी या नहीं होगी ये कब तय होगा, जब जांच की रिपोर्ट आती है और उसमें फाइनली पता हो जाता है, ये लग जाएगा कि भर्ती के अंदर धांधली हुई है, बड़े स्तर पर हुई है, तो भर्ती को रद्द किया जा सकता है। वो SOG के ऊपर डिपेंड है क्या रिपोर्ट सौंपती है। रीट भर्ती को रद्द करने का कारण, बीच जो बड़ा रोल था वो किसका था, क्योंकि SOG ने स्पष्ट बयान दिया था कि भर्ती में बड़े स्तर के ऊपर धांधलीबाजी हुई है, इसको रद्द करना ही एक उचित उपाय है, ये SOG की बात थी, और उसी को लेकर दोस्तों ये बात तय हुई थी, रीट में पेपर रद्द किया गया, आप सभी को बताया। अब इसकी जांच होगी तभी हमें पता लगेगा ना। दूसरा स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि सर तैयारी करें या ना करें। मैंने आपको क्या कहा था, मैंने आपको यही कहा था कि पेपर तो हो चुका है, पेपर हो चुका है, आंसर की आ चुकी है, रिजल्ट आना बाकी है, लेकिन हमारा प्रयास है कि इस भर्ती के अंदर पारदर्शिता हो, वो हम एक तरफ अपना प्रयास कर रहे हैं, लेकिन मैंने कहा कि आप अपनी तैयारी करते रहिएगा, आपको टाइपिंग करनी है, आप टाइपिंग की तैयारी कीजिएगा, कल को इस भर्ती के अंदर क्या होता आगे नहीं पता, कल को रिजल्ट आ जाता है ना, सरकार पता नहीं क्या करेगी इसके अंदर, तो आपकी तैयारी तो होनी चाहिए, तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। दूसरी की टाइपिंग जब आप तैयारी करोगे ना इस भर्ती को लेकर, तो इसमें तो काम आनी है, दूसरे आपका LDC का एग्जाम आगे और होने वाला RS, उसमें काम आ जाएगा, तो टाइपिंग करते रहिएगा, सीखी हुई चीज़ कभी खराब दोस्तों नहीं होती है। एक आपको एक छोटी सी बात बता देता हूँ, अगर आप चाहते हैं कि ये भर्ती रद्द हो, तो भैया कम से कम आपको एकजुट होना पड़ेगा, कम से कम 15 से 20 हज़ार स्टूडेंट को एक साथ होना पड़ेगा, ज़्यादा तो नहीं आ सकते मुझे पता है, लेकिन 15 से 20 हज़ार एकजुट हो जाते हो आप है, और एक साथ अपनी आवाज़ को उठाते हो, तो शायद इस भर्ती को लेकर कुछ संज्ञान लिया जा सकता है जल्द से जल्द, ये बिल्कुल तय है। 5, 10, 15 से कुछ नहीं होने वाला। आपको पता है जयपुर में बुलाया था तो 4 जने पहुंचे थे, और आज वो लोग जो पहुंचे थे, लेकिन
जो घर से नहीं निकलते वो कमेंट करते हैं कि ये नहीं होगा वो नहीं होगा, मतलब बोलने की शैली पता नहीं किस प्रकार से, किस प्रकार के उनके संस्कार है, बोलना जबान से निकाल दिया, आगे पता नहीं क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है। आप घर से निकले नहीं जब बुलाया था और अब आप यहाँ ज्ञान दे रहे हो या उल्टे सीधे कमेंट करते हो। अगर इतना ही आपको है तो 15 से 20 हज़ार स्टूडेंट को इकट्ठा कर लो, फिर मैं आपके साथ और ये भर्ती रद्द करवा देंगे अपन। क्या है आपके पास इतनी स्ट्रेंथ, कर सकते हो आप? मैं लगातार आपको बोल रहा हूँ कि भाई एकजुट हो जाओ, एकजुट हो जाओ सारे। कहाँ एकजुट हो रहे हो? मुझे कहीं एकजुट नहीं दिखाई दे रही। 15, 20, 50, 100, 100 ज़्यादा से ज़्यादा 100 बंदे हो सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं दिखाई दे रहे मेरे को कहीं पे भी किसी प्रकार से भी। मैं ट्विटर कैंपेन के माध्यम से जुड़ा, वीडियो के कमेंट के माध्यम से जुड़ा हूँ। एक बच्चा लगातार 4-5 कमेंट कर रहा है, लेकिन वहाँ 5 कमेंट 5 बच्चों के होने चाहिए जहाँ एक बच्चा 5-5 कमेंट करता है। फिर आप ये बोल रहे हो कि आप और भर्ती के बारे में बताने लगे, तो भाई ये YouTube चैनल ये स्टूडेंट्स के लिए, खाली इस भर्ती के लिए नहीं था ये, हम सभी भर्ती की हमें तैयारी भी तो करवानी है, और भी परीक्षाएं हैं स्टूडेंट्स की, हमें आपको तैयारी भी तो करवानी है। ऐसे थोड़ी ना कि इसको लेकर इसको वीडियो बनाए, इसी की वीडियो डालेंगे अपन। तो भी बहुत सी भर्ती हैं और भी आप तैयारी कर रहे हो, तो उनकी भी प्रिपरेशन करवानी, उनको लेकर भी आपको सूचना देनी होती है। तो ये आप फालतू के कमेंट क्यों करते हो इसे? सब आपको पता है कि ये चीज़ कि भी चैनल है ये, आप सभी का है, तो खाली एक भर्ती के लिए थोड़ी ना है, सभी के लिए है। रीट का पेपर रद्द क्यों हुआ? रीट का पेपर रद्द क्यों हुआ था? क्योंकि उसमें स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा थी, लोग लगातार जुड़े रहे थे, एकजुटता दिखाई थी। 4, 5, 50, 100, 150 बंदे नहीं थे उसमें, उसमें हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए थे, हज़ारों की तादाद में लोग लगातार संघर्ष कर रहे थे, तब जाकर दोस्तों उसका हुआ है। लेकिन इस भर्ती को लेकर हज़ारों की छूटो आप, 50-100 के बीच में भी नहीं है, है ना? तो यहाँ पर स्टूडेंट कम्युनिटी है ना, इनको इकट्ठा होना पड़ेगा, तब होगी ये बात। मुझे कहीं नज़र ही नहीं आ रहा कि आप कमेंट के माध्यम से, मैं देखता हूँ आपके कमेंट किस प्रकार से, कोई है बहुत 15, 20, 50, 100 मान सकता हूँ मैं, इतने हो सकते हैं। इससे मुझे नहीं लग रहा कि आप इकट्ठे, और आपको पता कि 100 से तो कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि सरकार के कानों में चिल्ला चिल्ला के लाखों लोग भी बोलते तो भी बड़ी देर से सुनती है, है ना? ये तो भर्ती को मामला, हर भर्ती पटवार है, ग्राम सेवक का देखो घपला होने वाला रेट, हर भर्ती के धांधली बाजी हुई है, सभी भर्ती में रहे, जहाँ पर एकजुटता, जहाँ पर संघर्ष, जहाँ पर सभी ने मिलकर आवाज़ उठाई, उस भर्ती के अंदर पारदर्शिता दोस्तों हुई है। तो आप इस भर्ती की टाइपिंग, आपके अच्छे नंबर बन रहे हैं तो आप टाइपिंग करते रहिएगा, छोड़नी नहीं टाइपिंग। और इसके रिगार्डिंग बहुत सी भर्तियाँ और हैं जिसके आपने फॉर्म डाले हुए हैं, जिसकी आप तैयारी करें, तो उसकी भी दोस्तों तैयारी करते रहिएगा। ऐसे नहीं कि आप तैयारी त्यूरी छोड़ कर इसे भर्ती गलत होगी तब हम दूसरी तैयारी करें, है ना? गलत वे में नहीं जाना, गलत दिशा में आपको नहीं जाना है, बिल्कुल सही दिशा में, कि हमारा पक्ष भी मजबूत रहे, हम तैयारी भी अच्छी तरह करते रहें इस एग्जाम की और किसी और एग्जाम की, साथ साथ अपनी इस भर्ती को लेकर जो पारदर्शिता लाने की जो आवाज़ उसको भी हम बुलंद करते रहें। यही होती समझदारी, हमें बेवकूफ़ी नहीं करनी कि सारा कुछ छोड़ के इस भर्ती को लगे, बेवकूफ़ी नहीं करने में। मैं कहीं भागने वाला नहीं हूँ कि मैं भाग गया, ये हो गया, फलाना हो गया, ये बातें देखो मैं न तो इनको गौर करता हूँ इन बातों, क्योंकि इन बातों में न तो कोई दम होता है, उनकी सोच उनके हिसाब से वो बोल देते हैं, जो मुझे करना है वो मैं करूँगा, दैट्स इट, सीधी सी बात है। हम स्टूडेंट के साथ पहले भी थे, अब भी हैं और साथ रहेंगे। हमारी कोशिश नाकामयाब हो सकती है, लेकिन कोशिश करने से पीछे दोस्तों नहीं हटेंगे, सीधी सी एक ही बात है। अब आपके ऊपर आपको अच्छा लगता है तो जुड़े रहिएगा, नहीं तो फिर आपके पास ऑप्शन बहुत सारे हैं। लगातार दोस्तों आप ट्वीट के माध्यम से अपनी आवाज़ को बुलंद करते रहें, दिन में 2 या 3 बार आप जरूर दोस्तों ट्वीट करें, कहीं ना कहीं एक छोटा सा प्रयास दोस्तों बहुत कुछ कर सकता है, लेकिन प्रयास करने से पीछे आपको दोस्तों नहीं हटना है। इसी उम्मीद के साथ दोस्तों मिलते हैं, जय हिंद।